अनादि है, शिव अनंत है, जीवन मधुबन शिव बसंत है। ओम शांति। अभी हम थोड़े ही दिनों में महाशिवरात्रि का पर्व मनाने वाले हैं। सबके दिलो दिमाग में यह बात ऑलरेडी छाई हुई है कि थोड़े दिनों में महाशिवरात्रि का पर्व आने वाला है। वैसे देखेंगे तो भारतवर्ष में बहुत सारे पर्व मनाते हैं। कहा जाता है कि साल में जितने दिन हैं उससे ज़्यादा पर्व हम मनाते हैं। इतना भारत में धार्मिक प्रभाव कहिए या इतनी भक्ति है और हमारी संस्कृति भी इतनी गहरी है कि रोज़ कुछ न कुछ हम मनाते ही रहते हैं। मनाने के पीछे अर्थ क्या है, क्यों मनाना चाहिए? यदि जैसे मैं अभी आपको पूछूं कि आप महाशिवरात्रि का पर्व क्यों मनाते हो, तो आपके मन में क्या उत्तर आ रहा है? हमारा बहुत प्यार है शिव जी से, इसलिए हम यह पर्व मनाते हैं। उनकी आशीर्वाद हमें मिले, इसलिए हम यह पर्व मनाते हैं। लेकिन जिस तरह से महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जाता है, बाकी और त्योहारों के कंपैरिजन में, क्या आपको नहीं लगता ये थोड़ा सा हम अलग मनाते हैं? वैसे देखिए, दूसरे देवी देवताओं की जब पूजा करते हैं तो रात में तो उनको सुलाते हैं, उनके सुलाने की पूजा होती है, उनको उठाने की पूजा, खिलाने की पूजा, हर कर्म की पूजा होती है, और रात में शयन, उनको सुलाते हैं। लेकिन महाशिवरात्रि में हम रात में शिव जी की पूजा करते हैं। कहते हैं कि रात में इनका अवतरण हुआ। तो पहले तो हमको ये समझना पड़ेगा कि कौन सी रात में शिव परमात्मा का अवतरण हुआ। अच्छा, अवतरण हुआ, अवतरण के बाद क्या हुआ, लोगों का उद्धार कैसे हुआ, लोक कल्याण कैसे हुआ, क्या इसकी स्पष्टता हमारे पास है? हम पर्व तो मना रहे हैं, त्योहार मना रहे हैं, और थोड़े लोग तो इस पर्व पर निर्जल निराहार उपवास करते हैं, बड़ा कठिन उपवास करते हैं। शिव जी को प्रसन्न करना है, प्रसन्न करके उनको प्राप्त कर करना क्या है? वैसे भी कहते हैं शिव जी बहुत आसानी से प्रसन्न होते हैं, इसलिए उनका नाम आशुतोष है, बहुत इजीली उनको प्रसन्न कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि भोलेनाथ है। फिर भी इस प्रकार से उपवास करना, जागरण करना, रात में जाग कर फिर पूजा करना, ये सब दूसरे जो देवी देवताओं की पूजा करते हैं उससे थोड़ा भिन्न है। आप ये भी देखिए, जब दूसरे देवी देवताओं की पूजा करते हैं तो उनके सामने प्रसाद के रूप में कितने अच्छे अच्छे फल रखेंगे, मिठाइयाँ रखेंगे, लेकिन शिव जी की पूजा करते हैं ना तो विशेष हम अक के फूल ढूंढ ढूंढ कर उन पर चढ़ाते हैं, बेलपत्री चढ़ाते हैं, बहुत प्रकार के पत्ते पत्तियां जो भी मिले वो सब चढ़ाते हैं, धतूरा तो विशेष चढ़ाते हैं। अब धतूरा तो हम खाते नहीं और शिव जी को चढ़ाते हैं, अक के फूल हम पहनते नहीं लेकिन उन पर चढ़ाते हैं। तो वास्तव में ये सारे जो हम कर्म कांड करते हैं इस त्योहार के अवसर पर, ये ऐसे क्यों करते हैं, कभी आपने सोचा है?
ये सब अर्थ जाने बिना यदि हम त्योहार मनाते हैं तो क्या आपको नहीं लगता ये थोड़ा आधा अधूरा सा हो गया? स्थूल रूप में तो मनाया लेकिन बिना अर्थ के मनाने जैसा हो गया। वैसे भी आप देखिए, कोई भी कर्म बिना अर्थ के यदि हम करते हैं, बिना समझ के करते हैं, तो उसमें हमको उतनी प्राप्ति नहीं होती है, काफी तो व्यर्थ चला जाता है। तो पूजा तो कर रहे हैं, भावना तो हमारी बहुत ऊंची है, बहुत अच्छी है, मन हमारा शुद्ध है, साफ है, लेकिन फिर हम जिस प्रकार से कर रहे हैं, जो कर्म कांड कर रहे हैं, जो रसम है, रिवाज है त्योहारों की, इस एक त्योहार की ही बात नहीं, हर त्योहार की, जो भी धर्म के प्रति हम करते हैं, उसके पीछे यदि हम अर्थ को नहीं समझते हैं तो सोचने की बात है, हमको प्राप्ति कितनी होगी। बहुत बार तो हम यह भी कहते हैं कि हम पूजा पाठ तो करते हैं लेकिन हमारा मन स्थिर नहीं रहता है, मन भटकता है। अभी हाथों से तो हम कर रहे हैं, मुख से श्लोकों का उच्चारण कर रहे हैं, हाथों से फूल चढ़ाया, फल चढ़ाया, ये सब कर रहे हैं, तो ये कर्मेंद्रियां तो कर्म करने में बिजी है। अब मन को पता नहीं है ना क्यों कर रहे हैं, तो मन भटकने लगता है। तो महाशिवरात्रि पर्व का विशेष अर्थ क्या है, हम यह जानने के लिए साथ साथ में उपवास का अर्थ क्या है, जागरण का अर्थ क्या है, ये सारे आध्यात्मिक रहस्य अभी हम जानते जाएंगे। अगले एपिसोड में महाशिवरात्रि पर्व में रात्रि शब्द का आध्यात्मिक रहस्य क्या है हम यह सुनेंगे, ताकि हम अच्छी तरह से इस बार शिवरात्रि मना सके, मन लगा करके मना सके, मैकेनिकली नहीं ना, ये किया वो किया, ये मंदिर गए वो मंदिर गए, अच्छा है मंदिर में हम जाते हैं, समय निकालते हैं क्योंकि आजकल तो बहुत बिजी है, फिर भी जितनी प्राप्ति होनी चाहिए यदि उतनी प्राप्ति चाहते हो तो जरूर आध्यात्मिक रहस्यों को समझने के लिए थोड़ा टाइम निकालिए। तो अगले एपिसोड में महाशिवरात्रि में रात्रि शब्द का अर्थ क्या है यह हम समझेंगे। ओम शांति।